हेलो एवरीवन, दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो हम जानेंगे ऐसे टिप्स जिनका इस्तेमाल करके आप अपने ट्राइसेप्स के लैटरल हेड को डेवलप कर सकते हैं, इसको एक अमेजिंग ग्रोथ दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जीक्यूशन में मेनली आपको यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट है वेरिएशन में कहने का मतलब यहाँ पर यह है मेरा कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज पिक करें अपने ट्राइसेप लैटरल हेड की, तो मेक श्योर यहाँ पर दो तरह की एक्सरसाइज पिक करें। पहली कैसी, जहाँ पर आपका जो ह्यूमरस बोन है, आपका जो ये हाथ है वो इस तरह से रहे, आपके टॉर्शो के बगल में रहे, मतलब आपके शोल्डर जॉइंट से जीरो एंगल बनाए, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, जहाँ पर आपका जो ये ह्यूमरस बोन है ये पैरेलल टू द फ्लोर रहे, मतलब ज़मीन के पैरेलल रहे, यहाँ पर आपका जो शोल्डर जॉइंट है वो 90 डिग्री एंगल बनाए। तो इस तरह की दो एक्सरसाइज आप हमेशा पिक करें अपने ट्राइसेप के लैटरल हेड को ट्रेन करने के लिए। चलिए इस चीज़ को हम एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल, जब हम ट्राइसेप पुश डाउन एक्सरसाइज लगाते हैं इस तरह से, जैसे कि आप क्लिप में अभी इस समय देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो ह्यूमरस बोन है, मेरा जो ये आर्म्स है वो मेरे टॉर्शो के बगल में है और शोल्डर जॉइंट पर जीरो एंगल बना रहा है, ठीक है। मैं अपने हाथों को अपने टॉर्शो से अपने शरीर से चिपका के एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो यह एक वेरिएशन हुआ। वही दूसरा एक्सरसाइज क्या हुआ, जब मैं केबल एक्सटेंशन परफॉर्म करता हूँ इस तरह से, जैसे कि आप इस वीडियो क्लिप में देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे ह्यूमरस बोन है, जो हमारे बाइसेप और ट्राइसेप के बीच में बोन है, वह पैरेलल है हमारे ज़मीन के, हम फ्लोर के पैरेलल है, हमारे शोल्डर जॉइंट पे यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है और मैं यहाँ पर ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको भी अपने ट्राइसेप वर्कआउट के दिन अपने ट्राइसेप के लैटरल हेड को ट्रेन करने के लिए दो एक्सरसाइज पिक करनी है, और दोनों एक्सरसाइज जो पिक करें उनका वेरिएशन इस तरह से होना चाहिए। एक एक्सरसाइज ऐसी हो जो आपके आर्म्स को आपके बॉडी के बगल में रखें, और दूसरी एक्सरसाइज ऐसी हो जहां पर आपके आर्म्स आपकी बॉडी के 90 डिग्री पे हो, ठीक है। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और जो दूसरी चीज यहां पर आपको इस टिप एग्जीक्यूशन में आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वह यह है कि फुल एक्सटेंशन एट योर एल्बो जॉइंट। ये टिप वैसे आप जानते भी होंगे और आपको हर वीडियो चैनल में ये टिप मिल जाएगी कि जब भी आप ट्राइसेप का वर्कआउट करें तो मेक श्योर आप अपने एल्बो जॉइंट को पूरा एक्सटेंड करें, पूरा खोलें। मेक श्योर जब आप ट्राइसेप का कोई भी वर्कआउट करें तो आपका जो एक्सटेंशन हो, आपका जो एल्बो जॉइंट है, वो वहाँ पर 180 डिग्री तक एंगल बने, वहाँ पर आपका जो आर्म्स है वो फुल स्ट्रेट होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। मतलब जब भी अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ट्राइसेप पुश डाउन लगा रहे हैं तो अपना हाथ पूरा खोलें। जब भी आप अपने एल्बो जॉइंट को फुली एक्सटेंड करते हैं, फुल एक्सटेंशन परफॉर्म करते हैं, तभी आपके ट्राइसेप रकाई का हर एक मसल फाइबर एंगेज होता है, हिट होता है। अगर आपने फुल एक्सटेंशन परफॉर्म नहीं किया तो आपके जितने मसल फाइबर रिक्यूट होने चाहिए उस एक्सरसाइज के दौरान, उस रेपिटेशन के दौरान, वो रिक्यूट नहीं होंगे, और जिससे क्या होगा, आपको जितना असर मिलना चाहिए वो असर नहीं मिलेगा। ये गलती लोग हमेशा करते हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को भी इंक्लूड किया, तो आप हम इसका हमेशा ध्यान रखें। सो यह थी टिप जो आपको बहुत काम आएंगी अगर आप अपने ट्राइसेप रकाई के लैटरल हेड को एक अमेजिंग ग्रोथ देना चाहते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय। जय हिंद।